कई लोग तो बद्रीनाथ इसलिए नहीं आते क्योंकि यहां पर कोई भी फाइव स्टार प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों नहीं आते? बोले अरे वहां पर रुकने की फाइव स्टार व्यवस्था नहीं है इसलिए हम नहीं जा सकते। तो आपके लिए बद्रीनाथ है भी नहीं। फाइव स्टार रहना है तो अपनी अपनी दुनिया में ही रहो। मैंने कल भी, हम आ रहे थे तो रस्ते में थोड़ा बहुत चर्चा इस स्थान की हो रही थी, तब मैंने इनको एक भाव बताया। मैंने कहा देखो जैसे आप विष्णु प्रयाग पार करोगे ना, जोशीमठ से नीचे विष्णु प्रयाग आता है, विष्णु प्रयाग के बाद जैसी चढ़ाई शुरू होती है आप देखना अलग होती है। वातावरण बदल जाता है, स्थान बदल जाता है, सौंदर्य बदल जाता है, एक एक अलग सा सन्नाटा चारों तरफ। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी का भाग है नहीं, ये वैकुंठ है। ये वैकुंठ का एक प्रकार से कह लो प्रथम द्वार है। यहां से प्रारंभ होते हैं, यहां के आगे जाते हैं सतोपंत आ जाता है, आगे से स्वर्ग का मार्ग आदि वो सब आता है और फिर ऊपर चलते चले जाते हैं। वैकुंठ का रास्ता यही है। तो ये पृथ्वी का अंग नहीं है इसलिए हमको यहां पर प्रतिकूलताएं झेलनी पड़ती हैं। तो ये हम लोगों का स्थान है नहीं, ये देवों का स्थान है, ये आदि देवों का स्थान है, ये महादेव का स्थान है, ये देवादि देव का स्थान है। यहां मानवों की कैसे चल सकती है? ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम करके यहां पर अपने पितरों के निमित्त एक विशिष्ट श्राद्ध होता है जिसको ब्रह्म कपाल श्राद्ध कहते हैं, उसकी बड़ी मान्यता है। यहां करने से ऐसा कहते हैं कि ब्रह्म कपाल श्राद्ध के बहुत रीजन है, लेकिन एक ये भी है कि जैसे श्राद्ध पक्ष जब आता है यदि उस समय अपने पितरों का स्मरण करके आप ब्राह्मण भोजन या श्राद्ध ना कर पाओ और आप बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल श्राद्ध अपने पितरों का कर दो तो श्राद्ध पक्ष में न भी कर पाओ, भूल जाओ, तो उसका दोष नहीं होता।